हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विजुअल आर्ट्स विथ विनी में। आई होप आप लोग सब अपनी पढ़ाई में लगे होंगे एंड मेरे जो वीडियोस हैं वो थोड़ी बहुत आपकी मदद कर रहे होंगे अपने आगे गोल में सक्सीड होने के लिए। एंड तो हम लोग, आप सब जानते हैं, वेस्टर्न आर्ट का टाइमलाइन शुरू कर चुके हैं। हमने बहुत सारे वीडियोस पहले दे दिए हैं और उसी के तर्ज पे मैं आज अपना नेक्स्ट वीडियो लेके आई हूँ। लेकिन ये स्टार्ट करने से पहले आज मैं सॉरी कहना चाहूँगी आपसे अपने लास्ट वीडियो के लिए, क्योंकि मुझे ये पता पड़ा है आपके फीडबैक से कि उसमें ऑडियो कम था। एंड हाँ, बिल्कुल बहुत कम था वो, और उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहूँगी कि मैंने बिना चेक करे ही उसको अपलोड कर दिया। तो मैं सोच तो रही थी कि उसको मैं अगेन, मतलब फिर से अपने ऑडियो में और तेज़ वॉइस में करके भेजूं, लेकिन शायद उसमें टाइम क्लैश होता और हम नेक्स्ट टॉपिक में नहीं आ पाते। इसलिए आई होप आप लोग उसको उससे मैनेज कर लेंगे वो टॉपिक, एंड हम लोग उससे आगे का बढ़ते हैं। तो हम देखें, मिश्र की कला में थे, हम पहला भाग कर चुके हैं इसका, ये सब पढ़ लिया है हमने, और अब हम आज दूसरा वास्तुकला से इसको शुरुआत करेंगे। दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग इससे पहले का वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि मेरा ये मानना है, मतलब मेरा एक फॉर्मूला है कि हम एक कहानी के तौर पे पढ़ते हैं, ना कि एक जस्ट थ्योरी लेके। तो इसलिए कहानी जब तब तक समझ नहीं आती जब तक हम पहले की स्टोरी नहीं सुनते। इसलिए आप पहले का वीडियो ज़रूर देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर इस पर आएँगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती और हम लोग, वास्तुकला एक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैंने आपको समझाया था कि मिश्र में वास्तुकला और मूर्तिकला का ज़्यादा काम पाया गया है। तो वो भी क्यों पाया गया है, क्योंकि जो जीवन था वो मतलब वो लोग काय पे बिलीव करते थे कि मृत्यु के बाद के जीवन पे, तो उसके लिए उन लोगों को मस्तबे बनाने की ज़रूरत पड़ी, मूर्तियाँ बनाने की ज़रूरत पड़ी। उसलिए आर्किटेक्चर और हम बोलेंगे कि मूर्तिकला स्कल्पचर बहुत ज़्यादा एक एडवांस, मतलब एक बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ इस उसमें, प्रागैतिहासिक काल से इस काल में बहुत डेवलप हुआ। तो आज हम वास्तुकला पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो देखिए, मैंने आपको पहले पिछले वीडियो में बता रखा है हिस्ट्री में कि पांच मेन पीरियड्स में डिवाइड हुआ था इजिप्ट का टाइम, और क्योंकि 31 डायनेस्टीज तो 31 थी, साम्राज्य 31 थे, लेकिन उसको भी उनने पांच भाग में डिवाइड किया था। तो पहले हम, मतलब अगर इस चीज़ों को भी हम ऐसे टाइम वाइज पढ़ेंगे तो आई थिंक आप लोग को लर्न करने में ईजी होगा। तो देखिए, सबसे पहले का समय था थीनी युग, प्रथम और द्वितीय राजवंश का समय था ये, 3000 से 2780 ईसा पूर्व का टाइम था ये। इस समय क्या हुआ, देखिए मैंने आपको ये भी कहा था, बिल्कुल गलत नहीं है, कि जो मिश्र है वो पिरामिड के नाम से जाना जाता है, हम वही जानते हैं। लेकिन पिरामिड एकदम स्टार्टिंग में बनने शुरू नहीं हो गए थे दोस्तों, एकदम से उसी तरह का पॉइंटेड पिरामिड का जो स्ट्रक्चर है वो फॉर्म नहीं हुआ था। पहले क्या हुआ था, तो पहले ये हुआ था, पहले मस्तबे बने थे, जिसे हम कहते हैं मस्तबे। वो कैसे थे, वो ऐसे थे कि उसकी जो ऊपर की छत थी वो चपटी थी और उसकी जो आसपास की दीवार थी वो ढली हुई थी। देखिए, आप फोटो में देख सकते हैं इसको। दूसरी चीज़, ये पकई ईंटों से बना होता है। तो ये इस तरह का काम जो है थीनी युग के आर्किटेक्चर में मिला था। फिर आता है प्राचीन युग, है ना, वो 3rd से 10th राजवंश के समय का होता है, और कब टाइम होता है वो 2780 से 2260 ईसा पूर्व। देखिए हम कैसे समय हमारा मॉडर्न होता जा रहा है, पुराने से लेके हम आगे तक आ रहे हैं। तो ये जो युग है ये तो युग कहलाता ही था पिरामिडों का युग। कहीं भी आए पिरामिड का, तो उसमें आँख बंद करके हम ये विश्वास कर लें कि ओल्ड किंगडम में, मतलब प्राचीन राज्य में ही पिरामिड बना था, उससे पहले नहीं बने थे। ठीक है, क्या था फराउनों के, फराउनों पता है आपको, मिश्र के राजाओं को कहा जाता है। फराउनों के मस्तबों, समाधियों, पिरामिडों में इस कला का रूप देखा जाता है। ठीक है, इनके जो मस्तबे, वो डेथ हो जाती है जहाँ वो प्रिजर्व करते हैं अपनी बॉडी, उनकी समाधियाँ बनती हैं, उनकी पिरामिड, उसमें ही हमें मिश्र की कला को देखा जाता है। तो पहला पिरामिड देखते हैं, देखिए ये जोसर का पिरामिड है, जोसर राजा थे, उनका पिरामिड है। किसने बनवाया था, इम्फोटेप ने बनवाया था। इम्फोटेप बहुत इम्पोर्टेंट, क्यों, क्योंकि ये जो जोसर हैं उनके मिनिस्टर, उनके मंत्री कहलाते थे, वजीर, और साथ ही साथ इन्हें इतिहास में वर्णित सबसे प्रथम वास्तुशिल्पी भी कहा जाता है। इनके द्वारा ये जो है पहला पिरामिड ने ऐसा निर्मित किया था, क्या था वो, जोसर का पिरामिड सकारा में।
फिर दूसरा देखिए, ये गीज़ा के पिरामिड हम सब जानते हैं, ये प्राचीन साम्राज्य में आते हैं और ये जो हैं ये 7 आश्चर्यों में से एक कहलाते हैं। गीज़ा के पिरामिड मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक पिरामिड है दोस्तों, गीज़ा का पिरामिड मतलब गीज़ा एक एरिया है वहाँ पे लोकेट करते हैं ये पिरामिड। और ये जो गीज़ा का एरिया है यहाँ पे 3 पिरामिड, देखिए इस तरह के आप फोटो में देख सकते हैं, इस तरह से पिरामिड बने हुए हैं, तो इनमें से भी 3 पिरामिड इम्पॉर्टेंट, उसमें जो 7 आश्चर्यों में से एक में कहा जाता है और इम्पॉर्टेंट होते हैं। कौन से हैं वो मेन पिरामिड? वो हैं खुफू, खाफरे और मंकुरे। इन तीनों के जो पिरामिड हैं वो गीज़ा के इम्पॉर्टेंट पिरामिड कहे जाते हैं। कैसे बने हैं ये? तो ये पीला चूना पत्थर से बने गए हैं। इसका ठीक है, ये तो हो गया। ये पिरामिड के अंदर अलग अलग कक्ष बने हैं। देखिए, अब मैंने बताया था आपको कि लोगों को मतलब राजाओं को यहाँ पे दफनाया जाता था। ये लोग जीवन के बाद मृत्यु के बाद के जीवन पे बिलीव करते थे, तो वो लोग ये समझते थे कि मृत्यु के बाद भी राजा जीवन जिएंगे, तो उन्हें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी तो वही चीज़ें वो साथ में उनके दफन करेंगे। तो देखिए, एक कक्ष में तो उनकी बॉडी रखते थे और दूसरी कक्ष में दूसरे इंपॉर्टेंट चीज़ें रखते थे, इसलिए पिरामिड्स के अंदर भी अलग अलग कक्ष डिवाइड, चैम्बर्स डिवाइड किए थे, उसमें वो इस तरह का प्रिजर्व रखते थे। अब मध्यराज में आते हैं, तो क्या मध्यराज 11 से 17 राजवंश के समय का था। तो इसमें क्या हुआ था, देखिए, इस युग में समाधि ग्रह की छतों पर अनेक आलेखन चित्र हुए, जो भी मतलब उनके छत पे समाधि ग्रह जहाँ पे वो प्रिजर्व करते थे उस पे जो है बहुत सारे आलेखन डिज़ाइंस बने गए। कैसे? और जो पिरामिड मृत शरीर की सुरक्षा के लिए बनते थे वो, अब जैसे जो हम क्यों बनाते थे पिरामिड के, उसकी वो सुरक्षित रहे, लेकिन वो अब वो सुरक्षित रहे तो सिर्फ उसमें बॉडी तो रखते नहीं थे, उसमें खजाना रखते थे, खूब वैल्यूएबल सामान जो राजाओं के अकॉर्डिंग रखते थे, तो वो सब चीज़ें भी रखते थे। तो फिर क्या हुआ, पहले तो वो बनते थे लेकिन उसके बाद वो लूटना शुरू हो गए। तो फिर क्या किया, जो अब देखिए कहानी की बात है कि हाँ उसमें इतनी वैल्यूएबल चीज़ें रखते थे तो उसमें लूटने का भी डर रहता था, और बिल्कुल लुटेरे उसे लूटते थे तो वो खतरा बन रहता था। तो फिर राजाओं ने क्या किया, तो राजाओं ने अपना सीमा का विस्तार करने लग गए वो लोग, मतलब जैसे एक वो भी बनाते थे तो उसको एक टेम्पल के फॉर्म में बनाने लग गए, है ना, ताकि जो ये लूटने की चीज़ें हैं वो कम हो सके। तो वही चीज़ जो है मिडिल किंगडम में इतना कोई इम्पोर्टेंट आर्किटेक्चर हमें मिला नहीं है, लेकिन फिर वही चीज़ नव राज्य वालों ने किया। क्या किया उनने, उनने अपनी सीमा को बढ़ाया। उनने मिस्र में किसको 3 एरिया को और मिला लिया, किसको, फिलिस्तीन, सीरिया और नूबिया, इन 3 चीज़ों को उनने मिला लिया और अपना एरिया का विस्तार कर दिया, है ना। फिर क्या हुआ, जो 8वें राजवंश की कला में मतिमता, स्वाभाविकता, विशाल संयोजन तथा चित्रोपम विवरणों का अधिक हुआ है, पुष्प वस्त्रों तथा आभूषण का प्रचूर्णता से अंकन हुआ। देखिए, उसमें फिर जो राजा महाराजा अच्छे से रहने लगे तो उस हिसाब से उसका अंकन मतलब पुष्प और जो आभूषण जो वो लोग पहनते थे उसका भी बहुत अच्छे से अंकन होने लगा, क्योंकि भाई मेन बात वही थी कि उनको ये था कि उनको किस चीज़ों की ज़रूरत होगी, तो उसके लिए वो चीज़ें बनाने लग गए। वो बनाते भले वो उसको जब वो मतलब जीवित थे तब वो यूज़ करते, या वो अपने साथ दफनाने के लिए यूज़ करते, पर उसका अंकन बहुत मतलब उसका बहुत ज़्यादा यूज़ में आने लग गया, ठीक है। तो फिर देखिए, उस समय जिसने मैंने क्या बोला आपको कि अब वो पिरामिड से हट के एक टेम्पल जैसे, इजिप्टियन टेम्पल जैसा बनाने लगे। खैर, उसमें भी अंदर कक्ष में कब्र ही होती थी, है ना, कहीं पे गर्भगृह मतलब जहाँ उनका मूर्ति वगैरह पूजा वो भी होती है, साथ में कब्र भी उस जगह पे होती हैं। तो वो चीज़ें अब इस तरह परिवर्तित होगी, जो एक सिंपल पिरामिड के फॉर्म में रखते थे उन्हें अब वो इस तरह से एक अपना पूरा एरिया बढ़ा के और चीज़ों में रखने लग गए। तो देखिए, पहला टेम्पल क्या है, ये कर्नाक मतलब थीब्स एक एरिया है इजिप्ट में, उसके कारनाक में ये टेंपल कहा जाता है। किसने बनाया था, रामेसिस तृतीय ने, राजा जो हैं उनने बनवाया था। कैसा है वो, तो वो देखिए आस एक बहुत छोटा सा गेट है, है ना, उससे एंट्रेंस रहते हैं और अंदर एक बड़ा सा हॉल है, और आसपास जो है उसका जो रास्ता है, रास्ते में इस तरह के पिलर्स खड़े हैं, तो वो मतलब ऐसे दिखते हैं कि जैसे सैनिक खड़े हैं आसपास, इतने बड़े बड़े देख सकते हैं। तो ये जो टेंपल था ये कौन सा था, कर्नाक का टेंपल। फिर आता है लक्सर का, तो वो थीब्स में ही जो लक्सर एरिया है वहाँ का टेंपल था। वो भी कैसा है, उसके भी उससे किसने बनाया था, उसके एम्फोटेप
जो रेमेसिस के मिनिस्टर थे उनने ही बनवाया था, है ना। और उसमें कैसा था, तो उसमें एंट्रेंस छोटा सा ही था जैसे एंटर करते हैं, लेकिन बाहर इस तरह से सीधी 6 मूर्तियाँ थी। वो माना जाती है कि वो रेमेसिस की ही थी। और उसमें वो कैसी थी, वो 2 बैठी हुई थी और 4 खड़ी हुई थी। और जब अंदर घुसते हैं छोटे गेट से, तो अंदर भी एक जगह पर 13 मूर्तियाँ रेमेसिस की पाई गई है। ठीक है दोस्तों, फिर बढ़ते हैं दायर एल बहारी टेम्पल, है ना। ये कहाँ पे है, ये भी लक्सर में ही, इजिप्ट के लक्सर में ही है। किसने बनाया था, तो तुतमुसे द्वितीय की बहुत फेमस क्वीन है रानी हत्शेपसुत, उनने बनवाया था। ठीक है, यह मंदिर 8वें राजवंश से संबंधित है, 1500 ईसा पूर्व में बना है। यह प्रवेश बड़े पैमाने पर और स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यह तलहटी में स्थित है जो कब्र का ललाट हिस्सा है। इसका मार्ग गर्भगृह के बजाय सभा भवन से कब्र तक जाता है। देखिए, अब यही चीज़ है, मैंने क्या बोला कि अंदर अंदर कक्ष हैं हर टेम्पल में, कहीं पे गर्भगृह है, कहीं पे जो कब्र की जगह है वहाँ पे। तो ये वाली जो दायर एल बहारी टेम्पल है, वो ऐसा ऊपर से देख सकते हैं आप, उसका एंट्रेंस ऐसा ऊपर है, और वो अंदर जैसे अंदर एंट्रेंस होती है तो सभागृह होते हैं, और सभागृह से सीधे कब्र तक उसका रास्ता जाता है। तो ये चीज़ वो थी। और क्या है, तो उसके जो ऊपर जैसे हम एंट्रेंस लेते हैं, तो प्रवेश द्वार ऊंचे चबूतरे पर है, चबूतरे पर स्तंभों से समर्थित है, और पेडेस्टल से दीवारों के भीतर की तरफ रानी हत्शेपसुत के कारनामों को रेलिफ के रूप में चित्रित किया गया है। मतलब उनके अलग अलग जो भी पेंटिंग्स कुछ काम होंगे या उनकी जीवन रचना जीवन घटनाएं होंगी, उसको वो रिलीफ और पेंटिंग्स के तौर पे उसको चित्रण किया गया है। हम पेंटिंग्स में पढ़ेंगे आगे। अब देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल है नव साम्राज्य का, और पूरे इजिप्ट का ही कहूँगी मैं, कि अबू सिंबल के टेम्पल। तो पहले ध्यान रखें, अबू सिंबल एक टेम्पल नहीं है, अबू सिंबल 2 टेम्पल हैं। मतलब उस एरिया में 2 टेम्पल्स हैं, 2 मंदिर हैं, एक बड़ा मंदिर, दूसरा छोटा मंदिर। ये दोनों ही किसने बनवाए थे, रामेसिस द्वितीय राजा ने बनवाए थे। कहाँ पे लोकेट करते हैं, तो अस्वन नूबिया क्षेत्र में, जो मिस्र का जो नूबिया क्षेत्र है उसके अस्वन में लोकेट करते हैं। ठीक है, उसको रामेसिस द्वितीय ने बनाया था। बड़ा और छोटे 2 मंदिर हैं वो, तो बड़े मंदिर उनने अपने लिए बनाया था और छोटा मंदिर उनने अपनी रानी के लिए बनाया था। ठीक है, तो कैसा है ये, तो पहले हम बड़ा मंदिर की बात करते हैं, वो रामेसिस द्वितीय का जो टेम्पल है, वो टेम्पल कैसा है। तो मंदिर के प्रवेश द्वार का आधार तिरछा है, और इसमें 2 तरफ सबसे ऊपर तोरण है। इस तोरण पर दोनों ओर एक साथ बैठे हुए रामेसिस की 4 नक्काशीदार विशाल मूर्तियाँ। देखिए, ये बड़ा मंदिर है, इसमें जैसे ही घुसते हैं तो ये इस तरह से बैठी हुई, बहुत बड़ी मूर्ति है लेकिन बैठी हुई 4 मूर्तियाँ हैं। चारों मानी जाती है रामेसिस द्वितीय की है। और क्या माना जाता है कि उसमें से, देखिए, 4 में से 1 खंडित भी है, टूटी हुई भी है। ठीक है, तो ये इस तरह का है, और उसमें से अंदर से छोटा सा गेट है, वहाँ पे हम घुसते हैं। अंदर 2 बड़ी दीर्घाएँ हैं, और दीवारों पर ओसिरिस की मूर्ति कला की नक्काशी की गई है। ओसिरिस आप सब जानते हैं, मैंने बताया था, इजिप्शियन गॉड हैं, इजिप्ट के गॉड कहे जाते हैं, वो हैं ओसिरिस। तो ये वहाँ पे पाई गई। अब आते हैं दूसरे मंदिर में, ये रानी नेफर्टिटी की मंदिर थी, इसे हथौर देवी का मंदिर भी कहते हैं। इसमें जो रथी का बिंब है, मतलब जो गेट में घुसते हैं हम, तो जो चैरिटर्स हैं वो कैसे हैं, वो 4-6 मूर्तियों के उसमें हैं। वो कैसे माना जाती है कि एक रामेसिस द्वितीय की है, एक रानी जी खुद की है, और 4 उनकी जो संतानें हैं उनकी ऐसी मूर्तियां हैं। आप फोटो देखिए उसमें, ये इस तरह का टेंपल, ये छोटा टेंपल होता है और वो बड़ा टेंपल होता है। यह कॉम्प्लेक्स यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का हिस्सा है, जिसे न्यूबियन स्मारकों के रूप में जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, इसमें से क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। अब हम अगला टॉपिक, अगला वो लेंगे स्कल्पचर। देखिए, मूर्तिकला मैंने बोला था, वास्तुकला और मूर्तिकला बहुत वास्ट है, तो इसलिए हम एक साथ में कवर नहीं कर सकती थी। तो अब मैं अगला मूर्तिकला और चित्रकला दोनों ले लूँगी। तो आप तब तक ये वास्तुकला पढ़ें, उसका नोट्स बनाएं, और कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू।